हमारे पार्टी के साथी नेता जहां भी कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे वहां मजबूती के साथ कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए हमारी पार्टी काम करेगी। हमने कांग्रेस से 5 सीट मांगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और मैं विभू कुमार झा। बिहार में 24 सीटों को लेकर एमएलसी चुनाव होने वाले हैं। इसमें पप्पू यादव हैं जाप सुप्रीमो। उन्होंने यह कहा कि कांग्रेस को हम अब मदद करने वाले हैं और साथ ही 5 सीटों की मांग कर रहे हैं। 5 सीटों 5 जगह के लिए वो चुनाव लड़ेंगे, जिसमें कि सहरसा, छपड़ा, वैशाली, मुंगेर, ऐसे कई जगह हैं जहां से वो सीटें मांगे हैं। और देखा जाए तो उन्होंने यह कहा कि कांग्रेस और जाप ये दोनों मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और साथ ही साथ इस चुनावी मुद्दे में हम घमंड नहीं करते हैं, बशर्ते कि हम चुनाव जीतने का काम करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं इस एमएलसी चुनाव को लेकर पप्पू यादव, पहले आप सीधे सुनिए। विधान परिषद के चुनाव में जहां भी कैंडिडेट दिए हैं जन अधिकार पार्टी का पूरा समर्थन कांग्रेस को विधान परिषद में रहेगा। हमारे पार्टी के साथी नेता जहां भी कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे वहां मजबूती के साथ कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए हमारी पार्टी काम करेगी। हमने कांग्रेस से 5 सीट मांगा है, आग्रह किया है प्रभारी जी से, हमसे सहरसा, कोसी कमिश्नरी, पूर्णिया, छपड़ा, मुंगेर और वैशाली, 5 सीट हम लोगों ने कांग्रेस से मांगा है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कांग्रेस और जाप यदि कांग्रेस नेतृत्व में विशाल हृदय दिखाया तो मजबूती से मिलकर हम लड़ेंगे। कांग्रेस अगर नहीं देती है तो क्या कीजिए? कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे, कोई सौदा नहीं होगा। राजनीति में लंबा चलने की जरूरत है, अहंकार की जरूरत नहीं है। तो आपने सुना कि जिस तरीके से पप्पू यादव ने कांग्रेस के साथ मदद की बातें कही है और कांग्रेस से 5 सीटें एमएलसी चुनाव को लेकर मांगा है, तो इससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव की पार्टी और कांग्रेस की एकजुटता दिख रही है। अब ऐसे में बिहार की राजनीति में पप्पू यादव क्या कुछ तस्वीर बदलेंगे, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देख बने रहिए लाइव बिहार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।